कर कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती है। बिल्कुल सही। सर शाहिद लतीफ साहब, आपको क्या लग रहा है, जबकि 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, 50 लाख घरों की बात की गई, आवाम की उम्मीदें तो वो भी है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा होगा, शरह नमू कम होगी, नौकरियां जो है मिलना मुश्किल हो जाएंगी, तो आवाम के जो जज्बात हैं, अपोजिशन के जो सेंटिमेंट्स, उनको जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप नहीं देखते कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत को इस मसले को डील करने के लिए आप तैयार पाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो मसाइल होते हैं वो उनको हल करना हुकूमत ही की जिम्मेदारी हुआ करती है, और हुकूमत जो है उसको कई महाजों पे काम करना पड़ता है। मगर इस हुकूमत का जो रवैया है वो ऐसा नहीं है जिसके तहत अपोजिशन उसके साथ चले और जो मुल्क के वसी तर मफाद में बातें हैं उनको हम हैंडल करें। जैसे ये इकॉनमी है, अपोजिशन उनका साथ नहीं दे रही, और अपोजिशन के साथ जो टकराव और तसादम वाली पॉलिसी इस हुकूमत ने इख्तियार कर रखी है वो ठीक नहीं है। मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब का हर रोज़ खड़े होकर ये कहना कि एनआरओ नहीं दूंगा, ढील नहीं होगी, ढील नहीं होगी, और जेल में डाल देंगे, जाने नहीं देंगे, भाई ये आपका काम नहीं है। ये जो काम है ये अदालतों का है, ये काम नैब का है, ये उनको करने दें। आप उनको क्यों इस तरह धमकियां दे रहे हैं जिसकी वजह से अभी 9 महीने इस हुकूमत को नहीं हुए और वो सड़कों पे निकलने की कोई बात कर रहे हैं? उनके अगर जो केसेस चल रहे हैं उनको चलने दे, वो आपसे छुटकारा भी चाहते हैं, आप ना करें, वो अदालतों का मामला है। मगर ये हर रोज धमकियां देना और पार्लियामेंट में ना आना, पार्लियामेंट में आना तो हाथ तक ना मिलाना, यानी उनके साथ मुसाफा तक ना करना, ऐसे तो नहीं हुकूमतें चला करती। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत को अगर कामयाब होना है तो उसे अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है। ठीक। और जो मुल्क का कारोबार है वो आप अपोजिशन जमातों के बगैर, इतनी सारी कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, वो उन सब में अपोजिशन भी शामिल है, उनको आप साथ लेकर चलेंगे तो कारोबार चलेगा ना। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपने रवैये पर नजरसानी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये जो इकोनॉमी वाला मसला है, इसमें ये जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं, जब तक आप वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि जी मैं 8000 अरब जो है वो टैक्स इकट्ठा करके दूंगा। हाँ जी। हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो हम कब इकट्ठा करेंगे? इसके लिए आपको बकायदा सामने आना होगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अवाम जो है उसको ये नहीं पता कि ये जो आपके डेफिसिट्स हैं ये क्या हैं। उनको दादो शुमार से कोई गर्ज नहीं, उनको गर्ज है महंगाई से, उनको गर्ज है बेरोजगारी से। महंगाई जो है वो डबल डिजिट में जाने लगी है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम इन सारे दादो शुमार में जाए बगैर इन चीजों को देखें, वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपके दो तरीके हैं ना, एक तरफ आपने पैसा रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। कलेक्शन जो है वो ज्यादातर आपकी टैक्स से है, और फिर ये जो चोरी चकारी होती है, बिजली के बिल नहीं मिलते, गैस के बिल नहीं मिलते, इन चीजों को देखेंगे तो आपकी, और टैक्स उन लोगों पर लगाएं जो फाइलर ही नहीं है, यानी ये अलमिया है कि हमारी 20 करोड़ की आबादी और उसमें से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। ठीक। आप बाकी लोगों पे हाथ क्यों नहीं डालते? बिल्कुल सही। तो अमीर से टैक्स लेना है आपने, गरीबों से नहीं। बिल्कुल सही। वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी के नाम पे, लोगों की तो आप कमर तोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। गुर्बत तो बढ़ती जाती है उससे। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आम लोगों को तंग कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको देखे। बिल्कुल सही। अपनी जो टीम बनाई उसको बदलना पड़ा, उनका होमवर्क नहीं था, उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, ये तो अब ये, इस टीम को देखें, अल्लाह करे कि ये टीम डिलीवर करे। बिल्कुल सही। अब आप IMF के चंगल में जा चुके। जी बिल्कुल सही। लिहाजा वो काम आपको करने हैं जिसके तहत आप उन अहदाफ को मुकम्मल करें, ताकि ये IMF से जान छोड़ने में अगली मरतबा हम इससे फारिग हो सके। आमिर ज़िया साहब।